हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग चांस एकेडमी। माय सेल्फ सौर श्रीवास्तव और मैं आप लोगों के लिए यूपीटेट मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर आया हूं। यूपीटेट का एग्जाम जो कि 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित किया गया है, उसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, जो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, आपको बेसिक भी बताऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। जो आपको बेटर लगे उस पर आप लोग अपना कमांड कर लीजिए, एग्जाम में नंबर ले लीजिए। मेरे से पढ़ने के बाद आपके 30 में से लगभग 28 से 29 क्वेश्चन इजीली हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग आज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपीटेट प्राइमरी की बात, ठीक है। यूपीटेट के प्राइमरी जो 1-5 वाला एग्जाम होता है, जिसे हम पेपर 1 कहते हैं, उसमें हमारे टोटल जो ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का हुआ है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट की बात करिए, देखिए सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के, ठीक है। इसमें पूछता क्या है, इसमें हमने जो बीएड और बीटीसी के कोर्सेज में पढ़े हुए टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछता है, जैसे कि बच्चे का विकास कैसे होता है या किस अवस्था में कौन सी क्रिया होती है, इन सब चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फिर किस क्रिया के बारे में किस साइंटिस्ट ने या किस मनोवैज्ञानिक ने आपको बताया है, इस तरह के फैक्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह शिक्षण विधि के बारे में भी होता है कि किस विधि के प्रतिपादक कौन थे, कौन से मनोवैज्ञानिक ने, कौन से जो है व्यक्ति ने दिया था, ठीक है, कौन सी योजना, कौन सी विधि लाई थी, इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में हम कौन कौन सी विधियां यूज जो है प्रयोग करते हैं, किसी खास टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे शिक्षण विधि में आते हैं। फिर हमारा आता है भाषा नंबर 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केवल हिंदी लिखा है। तो जैसा कि आप लोग जब यूपीटेट का फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज 1 में हिंदी कंपलसरी था। ऐसा क्यों था? क्योंकि यूपी में क्या पेपर है, यूपीटेट का पेपर है, तो यूपी में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा कौन सी है, वो है हिंदी। तो हिंदी आने कंपलसरी है, तो हिंदी इसलिए कंपलसरी लैंग्वेज है। लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये 3 ऑप्शन है। तो आपने जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल महसूस हुआ होगा वो आपने जो है पेपर 2 में लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट किया होगा और उसी का पेपर आपको यहाँ पे देना रहेगा। तीनों के 30-30 क्वेश्चन ही रहेंगे, 30-30 नंबर के ही रहेंगे। इसी तरह हिंदी का जो 30 क्वेश्चन है वो भी 30 नंबर का ही रहेगा। फिर मेरा विषय यानी कि गणित, गणित के भी क्या है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसका सिलेबस मैं अभी आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में आती है। फिर आता है हमारा पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन है कि इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईवीएस। ईवीएस में क्या चीजें पूछी जाती हैं? ईवीएस में आपसे पूछा जाता है जो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद चीजें होती हैं, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड के फॉर्म में हो, या फिर लिक्विड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, लेकिन क्या जो हमारे शैक्षिक जीवन में कुछ ना कुछ अपना अंश रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारे जीवन शैक्षिक जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें उन सब चीजों का इसमें पूछा जाता है। जैसे आपसे जो है गैसेस के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी फायदेमंद होती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कौन सी चीजें हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं, इस तरह से और भी कई चीजें हमारे जो है पेड़ों के लिए कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। आप लास्ट ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। गणित, अब गणित पर आते हैं। गणित में देखिए वैसे देखने को अगर सिलेबस में देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक हैं, और अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो इस 30 से कम 28 क्वेश्चन तो आपके आसानी से हो जाएंगे, अगर आपने मेरे बताए हुए रूल्स को, मेरे बताए हुए जो तरीके हैं उनको फॉलो किया और रेगुलर प्रैक्टिस किया। मैं आज की वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगा कि सब्जेक्ट हमारा जो यूपीटेट प्राइमरी का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करता जाऊंगा आराम से, ओके। तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक हमारे सिलेबस में आते हैं। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस चूंकि प्राइमरी लेवल के एग्जाम है बहुत हार्ड नहीं है, हाँ टॉपिक ज्यादा है लेकिन बहुत ईजी पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करें तो पहला टॉपिक इसमें आता है संख्याओं, यानी कि नंबर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल, इन तीनों का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, यानी कि जिसे हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन।
दूसरा टॉपिक हमारा आता है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है, फिर तीसरा नियम आता है, तीसरा चीज आता है इसमें एक एक नियम, यानी कि क्या होता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको टॉपिक में जब पढ़ाऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा। फिर आता है हमारा प्रतिशत लाभहानि और सामान्य साधारण ब्याज, यानी कि परसेंटेज जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या चीजें लाभहानि की, प्रॉफिट लॉस, फिर हम उसी से रिलेट करके चल जाएंगे किस पे, साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे प्राइमरी लेवल में नहीं आता है। ठीक है, फिर हमारा आता है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में भी क्या चीजें, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आयत के बारे में बात कर लेते हैं, त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं, वृत्त के बारे में यानी कि सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं, और पृष्ठ यानी कि सर्फेसेस, कैसे अलग अलग प्रकार के सर्फेसेस होते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग धन के बारे में, ठीक है, पैसे के बारे में, रुपयों के बारे में, रुपया पैसा कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। इसी के साथ में एक और टॉपिक आ जाता है हमारा मापन, मापन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे समय के बारे में, तौल के बारे में यानी कि वेट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर लेंथ के बारे में, फिर ताप यानी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, धारिता यानी कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड की कैपेसिटी कैसी है या किसी फिगर की कैपेसिटी कैसी है, इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें मापन में। फिर हमारा कैलेंडर आंकड़े, यानी कैलेंडर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैलेंडर में पढ़ते हैं कि जैसे दिया कि आज की डेट इतनी, इतने से इतने दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हमारा आता है परिमाप यानी कि पैरामीटर, पैरामीटर किसका किसका, त्रिभुज का यानी कि ट्रायंगल, आयत यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग यानी कि फिर हमारा आ जाता है स्क्वायर, और साथ में चतुर्भुज यानी कि और भी किसी भी टाइप का फिगर अगर हमारे सामने आता है जो चतुर्भुज यानी कि चार भुजा वाला होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, परिमाप निकालते हैं। फिर बात करते हैं आयतन के बारे में, आयतन और धारिता यानी कि एरिया, वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में, किसके किसके, घन और घनाभ, केवल दो फिगर हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल किसका किसका, आयत और वर्ग यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा समय सारणी, समय सारणी किसका, जैसे मान लीजिए रेलवे की बात करता है, ट्रेनों की कुछ सीक्वेंस दिया हुआ, उसको हमको बताना रहता है कि हाँ कितने देर, दो ट्रेन मान लीजिए दे दी जाए कि ये एक ट्रेन कितने बजे आती है, दूसरी ट्रेन कितने बजे, दोनों के बीच का समय अंतराल हमें निकालना होता है, या इस उल्टा दिया जाए कि एक ट्रेन का समय दे दिया जाए, दूसरी ट्रेन का बीच का अंतराल दे दिया जाए, तीसरी ट्रेन का हमको बताना रहे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल ये भी रहते हैं, ये केवल सिलेबस लंबा दिख रहा है, टॉपिक बहुत ही सिंपल पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। और लास्ट में हमारा टॉपिक आता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन हमको दिया जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना रहता है, डाटा एनालिसिस करनी रहती है, कि एक छोटा सा एक कोई टेबल दे दिया या चार्ट दे दिया, उस टाइप का हमको बनाना है, देखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करते जाना है। तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस हमारे लिए किसका है, यह है गणित का, और इसी में से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं या 28 कर लीजिए, और इसी 28 क्वेश्चंस को हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, मैं आपको ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, इससे जो पिछले साल पेपर हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उनके भी पेपर आपको सॉल्व कराता रहूंगा टाइम टाइम पे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं राइजिंग चैम्स अकेडमी के, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे मैं आपको वीकली जो है ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के उनको मैं सेंड करता रहूंगा, आप उसे लगाइए, जो ना सुन में आप वहां पे तुरंत मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो एक दिन के अंदर उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही, और अगर हमें लगता है कि वो आपको समझाना चाहिए तो उसे हम आपको वापस से क्लास में एक बार समझा भी देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को हमने शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, बीएड के, बीटीसी के या भी और इस तरह के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, या ऐसे बच्चे जो बीएड करना चाहते हैं, टेट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आप शेयर करके वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैलाएं, ज्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी उत्साह बढ़ेगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हम भी और अच्छे से और नए नए तरीके के क्वेश्चन आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।